हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं क्रशर नींबू शिकंजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियों के सीजन में ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम क्रशेड नींबू का सिकंजी बनाना शुरू करते हैं। सिकंजी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक स्टील का ग्लास लेंगे और उसमें हम छोटे छोटे क्यूब में कटे हुए नींबू डालेंगे। ध्यान रहे, नींबू के क्यूब्स एकदम ताज़े होने चाहिए। इसकी छिलका भी एकदम पतली सी होनी चाहिए जिसका फ्लेवर अच्छा आए। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश पुदीने की पत्ती। तो हमने इसे धो के पत्ते अलग कर लिए हैं, उसको हम इसमें डालेंगे। और साथ में हम डालेंगे नींबू का रस। तो हम एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे, 1/4 चम्मच हम नमक डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच हम भर भर के शक्कर डालेंगे। अब हमें क्या करना है, एक क्रश करने के लिए रोल लेना है। आपके पास बेलन हो या ऐसा कोई भी रॉड हो जिससे आप क्रश कर सकें, तो उसको लेके हम ग्लास में ऐसे ऐसे क्रश करेंगे जिससे कि पुदीने की पत्ती और नींबू का रस अच्छे से निचोड़ जाए। करते हैं, हमने नींबू और पुदीने को अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नींबू और पुदीने की क्रश तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे, 2 ग्लास लेंगे और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1-1 चम्मच शक्कर। तो आपको जितना मीठा चाहिए उतना डालिए, कम मीठा पसंद है तो कम डालिए। 1/2 चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसमें क्रश किया हुआ पुदीना और नींबू का क्यूब डालेंगे। अब हम इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे। तो आइस क्यूब हमें ढेर सारा डालना है क्योंकि गर्मी के मौसम में जितना ठंडा ठंडा अपना शिकंजी मिले उतने मन को ताजगी आती है। तो हम इसमें ढेर सारा आइस क्यूब डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सोडा। तो ये सोडा मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कहीं भी कोई भी शॉप पे आप पूछेंगे मिल जाता है। तो इसे हम ग्लास में भर देंगे। अब हम 1 चम्मच के सहारे इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से हम कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ती यानी मिंट लीफ डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर अपनी शिकंजी तैयार हुई है। इसे बनाना कितना आसान है। गर्मी का मौसम हो, ठंडा ठंडा शिकंजी मिल जाए तो मन की ताजगी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये शिकंजी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।